सुपर फास्ट खबरों के बाद अब रुख करते हैं मुख्य खबरों की तरफ। देश में कोरोना के साथ साथ एक और संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया और इन राज्यों में सैकड़ों पक्षियों को मार दिया गया है। केरल ने राज्य में इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का कहना है कि हमें 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से A1 इन्फ्लुएंजा की रिपोर्ट्स मिली हैं। हरियाणा में ये वायरस पोल्ट्री में संक्रमित हो गया है, जबकि बाकी राज्यों में जंगली और प्रवासी पक्षियों में ही इसे देखा गया है। ये इंसानों में फैल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, इसका कोई इलाज नहीं है। सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यहां किसी पोल्ट्री में बर्ड फ्लू नहीं मिला है। हम केरल और दूसरे प्रभावित राज्यों से पोल्ट्री उत्पाद के परिवहन पर अस्थायी रोक लगा देंगे। हमने स्थिति पर नजर बनाई है। मध्य प्रदेश में मरे हुए कौओं में घातक वायरस पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने राज्य में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के 12 में 100 से ज्यादा पक्षियों की रहस्यमय मौत के बाद वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। राजस्थान सरकार का कहना है अब तक की जांच में इंसानों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। राजस्थान के झालावाड़, कोटा समेत 16 जिलों में अब तक 625 पक्षी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने यहाँ पशुपालन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए। राजेंद्र सिंह जादौन हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजेंद्र, बर्ड फ्लू की हम बात कर रहे हैं और अभी से ही इंसानों को इसको लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, मध्य प्रदेश से क्या स्थिति है जानना चाहेंगे। देखिए हिना, मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख को जो है एक सैंपल कलेक्ट किए गए थे मंदसौर और इंदौर से, जिनकी पुष्टि होने के बाद कि इन कौओं में जो है फ्लू के वायरस मिले थे, और उसके बाद से जो है सभी को आदेश जारी किया गया है। 3 तारीख को ये आदेश जारी हुआ है और सभी तरीके से जो मीट और मुर्गी की जो दुकानें हैं वो बंद करने के आदेश, 15 दिन के अंदर उन्हें बंद करने के आदेश दिए। साथ ही पशु विभाग ने जो है सभी पोल्ट्री फार्मों पर जो है निगरानी रखने के भी आदेश सरकार ने दिए हैं, और सरकार ने आम नागरिकों को हिदायत के लिए कहा है कि अगर आपको सर्दी, जुकाम, कफ और पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसी कोई भी समस्या है तो तुरंत जाकर जो है अपना जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराएं, जिससे इस वायरस का ये पता चल सके कि वो मनुष्य शरीर में फैल रहा है या नहीं फैल रहा। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी हरिओम जुड़ रहे हैं। हरिओम, जिस तरीके से बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, कई पक्षी इसकी चपेट में आ चुके हैं और अलर्ट तमाम राज्यों में घोषित कर दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट राजस्थान से देना चाहेंगे आप? जी, मैं राजस्थान में जैसे कोटा की बात करता हूं तो कोटा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शांति धारीवाल मंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाए। वहीं जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने अधिकारियों की बैठक ली है और पूरी तरह से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी मामला आए बर्ड फ्लू का तो उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही बर्ड फ्लू के जो पक्षी मृत पाए जाते हैं उनको उठाने के लिए PPE किट वगैरह पहनकर पूरी सावधानी से उनको कार्यों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जय, जिस तरीके से लगातार बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों की जानकारी जो है तमाम राज्यों में दी जा रही है, और बर्ड्स की बात करें अगर तो कई राज्य आपस में इसे एक्सचेंज करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जो है पक्षी जाते हैं, उन्हें खाया जाता है और फिर ये होता है कि इंसानों पर भी इसके फैलने का पूरा पूरा खतरा बना हुआ है, ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी उत्तर प्रदेश में जारी की गई है जानना चाहेंगे आपसे। जी हिना जी, बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार अभी तक कोरोना महामारी से लोग जूझते हुए नजर आ रहे थे, काफ़ी परेशान थे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बर्ड फ्लू ने बड़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ लिया है और काफ़ी प्रदेशों में इसको लेकर बड़ा चिंतित हैं लोग। जहां हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की
बर्ड में पक्षियों की मौत हो गई। इसी सब बातों को देखते हुए काफ़ी यहाँ पर मेरठ में भी कुछ ऐसे ही मामले देखने को मिले हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें अलर्ट जारी कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये लगातार बढ़ रहा है तो इसको कहीं ना कहीं इस पर सही उपचार करने के लिए सभी लोगों से बोल दिया गया है कि जल्द से जल्द इसके उपचार की विधि निकाली जाए। और जिस तरीके से ये तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में न फैलने पाए उसका पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। तो जिसे पशुपालन विभाग के अधिकारी भी इस पर लग गए हैं और सरकार भी इस पर लगी हुई है और साथ ही साथ मेडिकल के लोग भी लग गए हैं कि जो ये बर्ड फ्लू वायरस है इसको जल्द से जल्द रोका जाए, कि जिस तरीके से कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हैं अब बर्ड फ्लू से पीड़ित ना होने पाए और इसका जल्द से उपचार हो और लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया जी आपका। तो बर्ड फ्लू को लेकर तमाम राज्यों में एडवाइजरी और अलर्ट जारी कर दिया गया है, पोल्ट्री वालों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है और तमाम देशवासियों को भी ये बताया गया है कि बर्ड फ्लू जो है वो अब संक्रमित कर सकता है इंसानों को भी, इसलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने खान पान में क्या ले रहे हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और तमाम राज्यों की सरकारें इसको लेकर एहतियात बरत रही हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।